गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर सेकेंड हम पढ़ रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने लास्ट क्लास में कर दिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड वॉज 294 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड ऑल ऑफ देम। ये कह रहा है एक एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट जो है अपीयर मतलब देने गए, पहुँचे वहाँ पर, कितने स्टूडेंट्स आए, 264 स्टूडेंट्स आए, जिसमें से 194 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास्ड ऑल ऑफ देम। 194 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सारे एग्ज़ाम्स जो है मतलब क्लियर कर दिए सारे सब्जेक्ट में। हाउ मैनी स्टूडेंट डिड नॉट पास, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में आए या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो कितने थे, 264। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास्ड ऑल ऑफ देम, जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर दिए मतलब पास हो गए, वो कितने थे, 194। तो कितने ऐसे स्टूडेंट बचे जो पास नहीं हुए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। मान लो आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, अगर 6 स्टूडेंट्स पास हो गए तो कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, 4 स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हमने क्या किया, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, एज इट इज़ यहाँ पे भी 264 में से 194 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर सिस्टम में पहले आप इस काउंटिंग में कन्वर्ट करके उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, 70 आ गया। अब 70 को आप वापस इंडियन नंबर में लिख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9732, इफ़ वन नंबर इज़ 3846, फाइंड द सेकेंड नंबर। ये कह रहा है दो नंबर का जो सम है वो 9732 है, जिसमें से वन नंबर जो है वो 3846 है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन भी करवाया था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो आपके पास कोई नंबर है 10, टू डिजिट्स का सम जो है वो 10 है, जिसमें से वन नंबर अगर 7 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 3, 7 में 3 ऐड करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो सबसे पहले सम ऑफ टू नंबर्स का सम कितना है, 9732, और उनमें से वन नंबर क्या है, 3846। तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप खुद इस नंबर को जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है इसको आप इंडियन नंबर में चेंज करके लिखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, देयर इज़ नीड ऑफ 925 मीटर ऑफ क्लोथ टू स्टिच फॉर 3 कर्टेन्स। ये कह रहा है 925 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है, स्टिच मतलब होता है सिलाई, 3 पर्दों को बनाने के लिए, कर्टेन मतलब होता है पर्दे, 3 पर्दों को बनाने के लिए 925 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, एंड 286 मीटर क्लोथ फॉर 5 कनोपीज़। और 5 कनोपीज़ को बनाने के लिए, कनोपीज़ अपन त्रिपाल ले लेते हैं या फिर जैसे मंडप वगैरह बनते हैं तो उसको बोलते हैं, तो 5 कनोपीज़ को बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत होती है, 286। व्हाट लेंथ ऑफ क्लोथ विल नीड फॉर कर्टेन्स एंड कनोपीज़, तो वो कह रहा है कितने कपड़े की ज़रूरत होगी कर्टेन को बनाने के लिए और कनोपीज़ को बनाने के लिए। तो हमको क्लियर सी बात है इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्लोथ नीड फॉर 3 कर्टेन्स के लिए इतने कपड़े ज़रूरत है, और कनोपीज़, 5 कनोपीज़ बनाने के लिए 286 मीटर कपड़े की ज़रूरत है। लेंथ ऑफ क्लोथ विल नीड फॉर कर्टेन एंड कनोपीज़, कर्टेन और कनोपीज़ दोनों के लिए कितने मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन मैंने यहाँ कर दिया, इसको आपको किस में चेंज करना है, नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में। सेम आपको ये नोट करना है और इनको इंडियन नंबर में चेंज करना है। ये चैप्टर अपना यहाँ कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।